हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेके क्या है। ओके, यही देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेके क्या है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। देख लेते हैं आपके दुश्मनों की सोच क्या है आपको लेकर। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ वांड्स। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो आपके दुश्मनों की सोच आपको लेके क्या है गाइस? सोच आपको लेके यही है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होते जा रहे हैं, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है। जो पहले इंसान बहुत चीज़ों में स्टक रहता था, जबल करता था और परेशान रहता था एक्शन लेने में कि भाई किस चीज़ पे एक्शन लूँ, किस चीज़ पे डिसीज़न लूँ, आज वह व्यक्ति ऐसा हो गया है कि उसकी चारों तरफ पैसा है, उसकी फैमिली में हैप्पीनेस है, काम की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं हो रही। तो वो इन सब चीज़ों को देख के ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करते थे पास्ट में या आने वाले टाइम में कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की या कर रहे हैं वो अभी इस वक्त, कि आपका काम बिगड़ जाए, आप आगे बढ़ ना पाएँ, आप जो ये सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं वो बढ़ ना पाएँ। इसलिए ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे काम बिगाड़ा जाए, कैसे आपकी फैमिली में फूट डाली जाए, जो आप फैमिली वाले एक दूसरे से लड़ें। और यहाँ तक कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो मतलब किसी की भी बात में आ जाते हैं, कच्चे कान के, जो कहते हैं ना कि किसी ने भी कुछ भी बोला और उसी बात पे फिर घर में लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते हैं। तो वो उन व्यक्तियों का जो आपकी फैमिली में हैं उनका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। वश में मीन्स उन्हें अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं ताकि वो आपसे लड़े, ताकि आपके घर में जो ये फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, वो चीज़ जो है वो ख़राब हो। इसलिए वो आपके फैमिली मेम्बरों को ना डोमिनेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ये देख रहे हो पीछे से आग लगा रहा है, तो वही चीज़ है कि ये इंसान जो है ना कि आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार वगैरह हो, ऐसा भी हो सकता है जो आपसे कहीं ना कहीं दुश्मनी रखते हैं, आपको दुश्मन मानते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं, और ये आपके नेबर भी हो सकते हैं। साथ ही ये आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं और इन्हें इस बात की जलन है कि आपकी फैमिली में इतनी खुशियाँ कैसे हैं, आपकी फैमिली इतनी खुश कैसे है, आपकी फैमिली में इतना प्यार कैसे है, कैसे आप सब एक साथ मिलके रहते हैं, ये उन सब चीज़ों से जलते हैं। और इसलिए ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपके घर की जो सुख शांति है वो भंग हो जाए। और इन्हें आपके काम से जलन है, इन्हें आपकी सक्सेस से जलन है, इन्हें आपके लोगों के साथ रहने से जलन है, और इस वजह से ना ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपके घर में फूट पड़े, जिससे आपके घर में ना लड़ाई झगड़े हो। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई इंसान है जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते, उनके घर के किसी इंसान से प्यार करते हो, ऐसी चीज़ मुझे लग रही है। और ये चीज़ ना अच्छी नहीं है आपके घर के लिए, ये आपके करियर से, आपके बिजनेस से जल रहा है। आजकल आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत काम के सिलसिले में, उस चीज़ से इसको बहुत जलन है।
ओके okay, और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति जो है ना ये चीज़ देख रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है कि आजकल जो है ना आपके साथ ही बहुत बन गए हैं, जैसे कि आपके साथ ना चलने वाले लोग बहुत हो गए हैं, आपसे जो बहुत इम्प्रेस हैं, आपसे जो बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके सपोर्ट में चलते हैं, ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके okay, और आजकल ना कुछ पेपर वर्क भी चल रहा हो, वो भी सोच है कि भाई कैसे इतना पैसा आ गया, कि नया घर खरीद रहे हो या कोई व्हीकल खरीदा हो, ऐसा हो सकता है, और या कहीं इन्वेस्ट किया हो मनी, ऐसा भी हो सकता है। तो पेपर वर्क होता है ना, हम कोई घर लेते हैं उसमें भी पेपर वर्क होता है, तो इसे कहीं ना कहीं से ना वो चीज़ें पता चली है, जिसकी वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि ये सोच रहा है कि कैसे चीज़ें बिगाड़ी जाएं, कैसे चीज़ें बिगाड़ दूं इनकी, जो आप ना इन सब चीज़ों में फंस के परेशान हो जाएं, आपकी सिचुएशन ना ऐसी ही आ जाए। अभी जैसी सिचुएशन ये है ना कि सब साथ हैं, सब मैच्योर हैं, सब साथ में चल रहे हैं, सपोर्टिव हैं, और मतलब सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में हैं, आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस हैं, आपके काम से, आपकी सक्सेस से इम्प्रेस हैं, इसलिए आपके सपोर्ट में हैं। तो ये व्यक्ति चाहता है कि आप अकेले हो जाएं, आप इस तरीके की सिचुएशन में आ जाएं स्टक। ये व्यक्ति ऐसा चाहते हैं कि आप जो है ना इस सिचुएशन में आ जाओ, जिससे ये फ़ायदा उठा सके आपका आपका, क्योंकि इस इंसान को आपकी सक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। जो फैमिली में हैप्पीनेस है, इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग वगैरह जो भी हो रही है आपकी, ये उससे बिल्कुल खुश नहीं है। नया घर वगैरह ले रहे हो या कहीं इन्वेस्ट किया है, जैसे भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इस पर्सन को वो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, और इसी वजह से ही चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएं, आपकी लाइफ ऐसी हो जाए, स्टकनेस हो जाए, आपको ऐसे मुंह छुपाना पड़े। ये चाह रहा है व्यक्ति कि आप ऐसे मुंह छुपाएं, आपकी ना ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सर में दर्द हो रहा है, हेल्थ ख़राब है, कोई साथ नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा, और जो ये आपकी फैमिली में हैप्पीनेस है ना, जो ये रिश्ते पक्के हैं, प्यार है, ये सब चीज़ ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि शायद ये आपके दूर का रिश्तेदार हो या ये फैमिली मेम्बर में ही हो, तो ये अकेला हो गया, ये आप लोगों से अलग रहने लगा है। तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि भाई ये जो फूट पड़ जाए और इसमें ये लोग मेरी वैल्यू रियलाइज़ करें, और आप जो हैं आपकी वैल्यू गिर जाए, मतलब आप इसकी जगह आ जाए और ये आपकी जगह आ जाए, ये ऐसा चाह रहा है। जो आजकल ट्रैवल कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, करियर वाइज सक्सेस पा रहे हो, एक काम ख़त्म दूसरा कुछ नया शुरू किया है, ये आजकल उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैं कहूँ परेशान भी है, क्योंकि कहीं ना पहले सिचुएशन आपकी ये थी, एक वक्त इसने कुछ ऐसी हरकतें की थी या आपके खिलाफ़ कुछ ऐसी साजिश की थी कि आपकी सिचुएशन ना ऐसी हो गई थी, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या डिसीज़न लेना है, कैसे सक्सेस पानी है। आप देख रहे हो टू ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें भी वो कंफ्यूज हो रहा है कि भाई किसको बैलेंस करूँ, पहले किस पे फोकस करूँ, या टू ऑफ सोर्स दिख रहा है आपको, तो वही चीज़ है। अब इसको ना ये टू ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल पे आ गया, कितना अंतर है, यहाँ अकेला है, यहाँ पूरी फैमिली है, नाइन ऑफ पेंटिकल है, तो इससे ना आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये चाह रहा है आप उसी पास्ट वाली सिचुएशन में रहो, इसलिए ये सर्च में गाइस, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है, कोई तीसरा इंसान है, तीसरा ये खुद ही है जो इस तरीके से सब चीज़ें कर रहा है, पर किसी दूसरे इंसान के साथ मिलकर उसकी वजह से ये फंसा रहा है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को फंसा रहा है ये, ताकि ये अपना काम कर सके, ताकि जो भी चीज़ें अभी जो भी अचीव कर रहे हो ना, ये उसको बिगाड़ सके, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी करा रहा हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है किसी के साथ मिलकर। और आपकी फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है ना जो आपकी बात नहीं सुनता, थोड़े कच्चे कान का, तो ये उसका भी फ़ायदा उठा रहा है, ये इंसान उसका भी फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि इसे पता है कि ये इंसान जो है, यानी आपके घर का जो वो फैमिली मेंबर है ना, वो कान का कच्चा है, वो थोड़ा ऐसा है यंग एनर्जी का पर्सन, जिसे अपनी बातों में फंसाया जा सकता है,
जिसे पता नहीं है, समझ नहीं है, वो कच्चे कान का है। अगर आप उसे कैसे भी बातों में ले आओगे ना, फिर वो नहीं सुनेगा। तो ये व्यक्ति ना आपके घर में फूट डालेगा, ये आपके घर को ख़राब करना चाह रहा है। इसलिए ये ना किसी तीसरे इंसान की मदद ले रहा है, चाहे प्यार में फंसा के, चाहे बिजनेस में फंसा के, बट कैसे भी, चाहे दोस्ती के ही जरिए, कैसे भी बट फंसा ज़रूर रहा है, आग लगा रहा है ये पीछे से, या अपने हिसाब से चलवा रहा है इस इंसान को, आपके फैमिली मेंबर को। देख लो भाई, बताना ज़रूर कि कौन है आपके फैमिली मेंबर में ऐसा जो आपकी बात कम और बाहर वालों की बातें ज़्यादा मानता है, या ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंस में रहता है, या आपसे झगड़ा करता है दूसरों के लिए। जैसे कि ये इंसान है, ये आपका दुश्मन है, आपको पता है कि यह आपका दुश्मन है, उसे पता है कि आप इसके दुश्मन हो, ओके। फैमिली में भी सबको पता है, लेकिन कि फैमिली के उस इंसान को यूज़ कर रहा है अपने लिए। आप मुझे ज़रूर बताना कौन है आपके फैमिली मेंबर, आपका बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, कौन है। बट कोई तो है जिसको वो यूज़ कर रहा है आपके खिलाफ। और इसका मकसद ना सिर्फ यही है आपको ना इस सिचुएशन में लाना है, इसको अकेला करना है आपको। इस पे बर्दाश्त नहीं है, सपोर्ट में लोग चले, फैमिली साथ दे, बताओ फैमिली साथ देगी, फ्रेंड साथ देंगे, ऑफिस वाले साथ देंगे जो काम करते हैं साथ में, चाहे बिजनेस हो चाहे जो भी है। तो जब सपोर्ट इतना है, फैमिली साथ नहीं छोड़ रही, फैमिली सक्सेस में आगे हैं, फ्रेंड्स साथ नहीं छोड़ रहे, काम करने वाले लोग साथ नहीं छोड़ रहे, तो वो इंसान ब्लेस्ड ही है ना कि उसका काम सक्सेसफुल हो रहा है। फैमिली सपोर्ट है, फैमिली इतना ग्रो कर रही है साथ मिलके, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, सब कुछ है। इसे वो बर्दाश्त नहीं है, ये चाह रहा है अकेले रहो आप ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते इसकी नज़र में। ओके, सो गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो फायरी नेचर तो बहुत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत आए हैं। सो मुझे ऐसे ही लग रहा है, ये एक तो आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बोला, इस पर्सन के साथ या तो आपका फाइनेंशियली लेन देन था, या इसकी नज़र आपके पैसों पे है। अगर ये आपके रिलेशनशिप में है पक्के वाले, मतलब आपका भाई है या आपकी बहन है या जो भी है, ये पर्सन इसकी नज़र आपके पैसों पे है, इससे वो पैसा चाहिए, या तो इसे ये फील हो रहा है कि आपने इसका हक मार लिया, इसलिए ये आपको अपना दुश्मन समझते हैं। इसको ये लग रहा है कि भाई मुझे मेरा हक नहीं दिया गया है, और इसलिए ये आपके बारे में बुरा बुरा सोचता है, इसलिए ये आपके घर के किसी फैमिली मेंबर को बहका रहा है और उसका यूज़ कर रहा है आपके खिलाफ। साथ ही इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में ना, मतलब आपका पैसा बढ़ रहा है, आपके सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, सक्सेस पा रहे हो, काम बढ़ रहा है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान पे पैसा आता है तो कुछ पैसा वो अपने ऊपर भी लगाता है, कि हाँ भाई अपना थोड़ा मेक ओवर करवाते हैं, थोड़ा चेंज लाते हैं, थोड़ा हेयर कलर कराना, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग पे खर्च करता है। तो वही चीज़ है कि इस इंसान को ना वो चीज़ रास नहीं आ रही है। आपके दुश्मन की सोच ये है कि इसे वो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही, इसे ना वो चीज़ घटक रही है, और ये कहीं ना उस चीज़ को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ये सोच रहा है कि ये बिगड़ जाए, कि कैसे, मतलब ये इंसान जो है ये परेशान है, ये इंसान पे इतना नहीं है, ऐसे सपोर्टर नहीं है, या उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसका हक मार के खुद पे लगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, जबकि वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया है। तो ये इंसान ना आपके पैसे को छीनना चाहता है, आपसे अपना हक लेना चाहता है, जो आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, खुद पे खर्च कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें इससे पसंद नहीं आ रही है। साथ ही ये व्यक्ति जो है ना कहीं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा है कि इसे भी या तो वो लाइफ मिल जाए, या फिर जो आपने इसके साथ किया है उसका जस्टिस हो जाए। इस पर्सन को कुछ ऐसा लगता है गाइस, सच में इसको यही लगता है, क्योंकि इसे चेंज दिख रहा है,
सपोर्टर दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है, फैमिली दिख रही है, खुद पे जो खर्च कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो इसकी सोच ये है कि मुझे ये चीज़ें बिगाड़नी है, मुझे ये चीज़ें बिगाड़नी हैं, ना पैसा बचना चाहिए, ना इस इंसान पे इतने सपोर्टर रहने चाहिए, ना काम रहना चाहिए। और जो ये है ना कि खुद पे भी खर्च कर रहे हो तो वो भी नहीं कर पाओगे, इन्जॉय नहीं कर पाओगे, ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे, शॉपिंग नहीं कर पाओगे, और कुछ इसी तरीके से घूमोगे जैसे ये घूम रहे हैं। क्योंकि इन्हें आपकी सक्सेस से जलन इसलिए है क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं है। और ये कहीं ना ऐसा भी हो सकता है, देखो अगेन डेविल आया है, कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशनशिप रहा है गाइस। ये लव रिलेशनशिप स्पेसिफिकली नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हों बट अभी आपके एक्स हैं, डिवोर्स वगैरह ले लिया हो आपने, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट ये इंसान जो है ना जीत चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, साथ ही ये चाहता है, डेविल आया है, ये चाहता है कि आपको सज़ा मिले, आपको सज़ा मिले, क्योंकि इसे लग रहा है कि आपने इसके साथ गलत किया है और ये आपकी सक्सेस से जलता है। तो ये चाह रहा है कि आप इस सिचुएशन में आएं और इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जैसी आपकी है। शायद ऐसा हो सकता है, अभी ये है इस पोजीशन पे, इसकी हालत ये है, बट ये चाह रहा है कि आपकी ये हालत हो और इसकी ये हालत हो। मतलब ये वो डिज़र्व करता है जो आपके पास है और आप वो डिज़र्व करते हो जो इसके पास है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहा है किसी का आपके ख़िलाफ़, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। किसी चीज़ को लेके ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है कि आपकी, आपको बिगाड़ने के लिए, आपकी सक्सेस को बिगाड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाएगा। ये चीज़ भी है, इसे वो नहीं है कि रिलेशनशिप था या कुछ ऐसा या वैसा, कुछ नहीं, इसे वो कुछ भी नहीं है कि इसे वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी कि अरे नहीं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, या इसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ या कुछ, ये तो वो कुछ नहीं है। इसने आपके लिए इंसानियत भी छोड़ दी है, क्योंकि इसे ये है कि नहीं आपने गलत किया है और अब ये आपको दुश्मन समझता है, आप इसको दुश्मन समझते हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी सक्सेस से जलता है। तो इस इंसान को यही है कि भाई बिगाड़ना है, मुझे काम बिगाड़ना है, तो इसकी सोच यही है गाइस। बेसिकली मैं यही कहूँगी, जो चीज़ें अभी आपके पास हैं ये उनको छीनना चाहता है आपसे, उनको छीनना चाहते हैं कि ये मेरा है। देख रहे हो उसको, वो कैसे पकड़ रही है इसे, ऐसा लग रहा है या तो इसको आपने उसका हक नहीं दिया है, या बेसिकली मैं कहूँ इसे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसे लग रहा है कि ये सब चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हो, और डिज़र्व करते हो तो इसकी सिचुएशन डिज़र्व करते हो जो मैंने आपको दिखाई दी है। ओके, अगर बर्थ डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 15 हो सकती है, और 6 भी हो सकती है। ओके, और यहाँ 10 दिख रही है, 9 दिख रही है, और मुझे यहाँ पे 4 भी दिख रही है, 1 और ये गाइस मुझे यही बर्थ डेट दिख रही है। और बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, और यहाँ पे मुझे सितंबर अक्टूबर दिख रहा है और नवंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट बने बताइए, अगर रेजोनेट नहीं करती स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए, यहाँ अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और एयर साइन भी है, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइस मुझे यही दिख रहा है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।